डायरेक्टेड बाय दीपक गावड़े, इडक, ये मूवी कल रात को Z5 पे रिलीज हुई है। ये 2017 की मूवी, मराठी मूवी है, जिसे आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो। हे गाइस, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो कहानी है नामदेव की, जिसकी मॉम उससे बहुत परेशान होती है क्योंकि उम्र होने के बाद भी उसकी अब तक शादी नहीं हुई होती और अदरवाइज भी वो कभी कोई काम नहीं करते रहता। और उनकी फैमिली बैकग्राउंड, वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, पुअर फैमिली से होते हैं, तो उसकी मॉम हमेशा से उससे परेशान रहती है। एक दिन वो उससे ये कहती है कि नामदेव एक बकरा लेके आ, यानी एक गोट लेके आ, एक इडक लेके आ। और नामदेव बहुत सारी कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो माँ के लिए लेके नहीं आता। अब उसके मॉम को ये इडक सैक्रिफाइस के लिए चाहिए होता है एक यात्रा में। फिर नामदेव कुछ ना कुछ करके एक बकरा लेके आता है। वो इडक के नामदेव के लाइफ में आने के बाद उसकी लाइफ कैसे धीरे धीरे करके चेंज होती है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी इतना ब्यूटीफुल है, वो गांव के घर, गांव के वो जो नदियां होती है, जो खेत होते हैं, वो इतने ब्यूटिफुली दिखाए हैं, कितने ब्यूटिफुल सनसेट भी दिखाए हैं मूवी में। तो सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, मूवी विजुअली बहुत प्लीजिंग होती है। ओवरऑल मूवी बहुत इमोशनल है, आपको पकड़े रखती है, इमोशंस के साथ बांध के रखती है, क्योंकि वो हम जो देखते हैं कि वो इडक के साथ उसका एक जो अलग रिलेशनशिप बनता है, वो कैसे उससे प्यार करता है, उसको अपना दोस्त मानता है, वो सब देखना और उसकी वजह से उसकी लाइफ में कैसे छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, ये देखना बहुत हार्ट वार्मिंग था। मूवी एंगेजिंग है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 1 hour 40 minutes के आसपास की मूवी है, तो आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप कहानी में इंटरेस्टेड रहते हो। जो भी डायलॉग्स है वो भी बहुत नेचुरल और एकदम दिल को छूने वाले हैं, कहीं पे भी बहुत ओवर द टॉप नहीं जाते डायलॉग्स। मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा था। तो ये जो बेजुबान जानवर है उनको प्यार करने की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, और एक इंसान का दिल कैसे यू नो चेंज हो सकता है, ये सब मूवी में दिखाया है, बहुत ब्यूटीफुल है। मूवी के लास्ट आते आते आप देखोगे कि वो जो नामदेव है उसका कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे वो पहले यहाँ था और वो इडक के लाइफ में आने के बाद कैसे वो ग्रो हो रहा है, वो सब देखना बहुत अच्छा था। मूवी के जो कास्ट है, लाइक सपोर्टिंग एक्टर्स और जो माँ और बेटे का काम जिन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छे थे। मराठी एक्टर्स की बात ही अलग होती है, वो एकदम क्लासी एक्टिंग करते हैं, और इस मूवी में भी एक्टिंग के मामले में तो सभी बहुत अच्छे थे। तो मेरे हिसाब से इडक मूवी सबको एक बार देखनी चाहिए, विद इंग्लिश सबटाइटल्स आप आसानी से इसको देख सकते हो। अगर आपने देखी तो आपके थॉट्स मुझे जरूर नीचे लिख के बताना, नहीं देखी तो पहले देखो और फिर बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।